सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में खेत की रखवाली के लिए निकले किसान का अधजली अवस्था में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। मामला चिकासी थाना क्षेत्र के चौराहा गाँव का है, जहाँ के निवासी ब्रजभान पुत्र विश्वनाथ खाना खाने के बाद प्रतिदिन की भांति गन्ने की फसल की रखवाली करने के लिए निकले थे, लेकिन सुबह होने के बाद भी जब वह घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने फोन लगाकर जानकारी करनी चाही, किंतु जब फोन नहीं उठाया तो परिजन उनकी खोजबीन में खेत पर निकले, जहां पर सड़क के किनारे किसान का अधजली अवस्था में शव पड़ा मिला, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई है। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतक की पुत्र की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। थाना क्षेत्र चिकासी में ब्रजमान पुत्र विश्वनाथ, इनकी उम्र करीब 55 वर्ष है, इनका अधजला शव जो है बरामद हुआ है। जैसे ही सूचना मिली तत्काल संबंधित थाने के पुलिस और उच्चाधिकारियों द्वारा जो है घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, सबको जो है कब्जे में लेकर के उसका पंचनामा करा के पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है और जो मृतक है उनके पुत्र जो जिनका नाम देवेंद्र है उनकी तहरीर लेकर जो है इसमें मुकदमा प्राप्त संख्या 49/21/70 द्वारा 302-201 आईपीसी पंजीकृत कर लिया गया है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और इसमें शीघ्र गिरफ्तारी करके जो है इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। मैं आपका और क्या घटना हुई है? राम गोपाल राजपूत। क्या घटना हुई? घटना ये हुई है कि घर से वो जाते थे हार के लिए और खेत तो बैल भी है वहीं, तो वहाँ देखने के लिए जाते थे, खेत तक पहुँचे ही नहीं, मतलब रास्ता में वहीं किसी ने मार दिया और मारने के बाद तो चला दिया। क्या आपने इसकी सूचना पुलिस को दी है? हाँ, पुलिस को दी, पुलिस आई मौका पर। और क्या चाहते हो? जो न्याय होगा वही। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।